ओके, वेलकम टू मैथ साइंसेस। इस लेक्चर में हम रेटिकुलोसाइट्स और उनके काउंट और करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रेटिकुलोसाइट्स होते क्या हैं, व्हाट्स द नॉर्मल काउंट ऑफ रेटिकुलोसाइट्स एंड हाउ वी मेक करेक्शन एंड क्यों करेक्शन ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जब रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं तो वो किन स्टेजेस से गुजरकर एरिथ्रोसाइट्स, मेच्योर आरबीसीज फॉर्म होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो सेल होती है दैट इज़ अ स्टेम सेल, दैट इज़ मल्टीपोटेंट हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल, जिससे दो हमारी लीनेज निकलती है, माइलोइड एंड लिम्फोइड, वी नो दैट। ठीक है, माइलोइड जो होती है जो हमारी आरबीसी की फॉर्मेशन कर रही होती है। अब माइलोइड के कॉमन माइलोइड जो प्रोजेनिटर होता है उससे हमारे पास सबसे पहले जो सेल की फॉर्मेशन होती है दैट इज़ प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, तो ये जितने भी ब्लास्ट हैं इनमें हमारे जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस वक्त आरएनए की फॉर्मेशन भी हो रही होती है, डीएनए फॉर्मेशन भी हो रही होती है, और अभी तक प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के स्टेज तक हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं है। ठीक है, सो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट इज़ टोटली वी से दैट बेजोफिलिक। उसके बाद बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट है, ठीक है, दैट इज़ अ टोटल रेप्लिकेटेड डीएनए और न्यूक्लियस। उसके बाद है पॉलीक्रोमैटिक, जब हमारी एचपी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसमें हमारे दो स्टेन्स आना शुरू हो जाते हैं। ऑर्थोक्रोमैटिक, जब न्यूक्लियस जो है बिल्कुल वो पिकनोटिक हो जाता है, ठीक है, और इसमें ज़्यादातर हमारी एच पी फॉर्म हो रही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन हो रही होती है। पॉलीक्रोमैटिक असल में जो पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोसाइट्स हैं वो रेटिकुलोसाइट का नहीं है। यहाँ पे आपने आप देख रहे हो कि हमारे पास पॉलीक्रोमैटिक, दिस वन इज़ पॉलीक्रोमैटिक, ठीक है, एरिथ्रोसाइट, एंड दिस वन इज़ रेटिकुलोसाइट। ये दो डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है ना। पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोसाइट रेटिकुलोसाइट से भी इमेच्योर है, वो उससे भी पहले की स्टेज है, जिसमें हमारे पास जो आरएनए हमारे हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बिल्कुल वो पिकनोटिक हो जाते हैं, न्यूक्लियस पिकनोटिक हो जाती है और आरएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में वो उसके रेमिनेंट्स रह जाती हैं। ठीक है, पॉलीक्रोमैटिक मतलब हमारे जो स्टेन है वो अभी तक दो स्टेन हमारी सेल में है, ड्यू टू द आरएनए बेसोफिलिया एंड ड्यू टू द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इजेनोफिलिक। और उसके बाद रेटिकुलोसाइट बनते हैं, और ये रेटिकुलोसाइट है जिसमें हमें आरएनए के थ्रेड दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एरिथ्रोसाइट फॉर्म हो जाती है। ये हैं हमारे रेटिकुलोसाइट, क्योंकि इस लेक्चर में हम रेटिकुलोसाइट्स पढ़ रहे हैं तो ये हमारे रेटिकुलोसाइट्स हैं जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहे हैं। ये हमने पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में देख रहे हैं इसको, सुपर वाइटल स्टेन से दैट इज़ मिथाइलिन ब्लू स्टेन। ठीक है, कुछ इस तरह का रेटिकुलोसाइट हमें नज़र आता है। अच्छा, रेटिकुलोसाइट्स क्यों बनते हैं, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ये हमें क्या बता रहा होता है? तो ये न्यूली रिलीज आरबीसीज होते हैं, इनको हम इमेच्योर आरबीसीज भी कहते हैं, जो 24 आवर्स में मेच्योर हो जाते हैं इन द स्प्लीन। ठीक है, और ये अगर पेरिफ्री में हमें नज़र आए तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी इफ़ेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो रही है। ठीक है, इफ़ेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस इन रिस्पॉन्स टू एनीमिया। ठीक है, अच्छा, और ईजिली आइडेंटिफाइड होती है हमारी पेरिफेरल ब्लड में विद सुपर वाइटल स्टेन, जैसे कि हमने देखा स्टेन डिटेक्टेड थ्रेड लाइक आरएनए फिलामेंट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यंग आरबीसीज। व्हेन गेट्स मैच्योर, कब मैच्योर होती हैं, इन 24 आवर्स अ रेटिकुलोसाइट बिकम्स अ मैच्योर आरबीसी। मैच्योरेशन कहाँ होती है, स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस में। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट क्या है, दैट इज 1 to 2%, और वी ऑल्सो से दैट लेस देन 3% इज नॉर्मल। उससे अगर ज़्यादा हो तो दैट्स मीन देर इज सीवियर हिमोलिसिस अकरिंग, देर इज सीवियर एनीमिया एंड बोन मैरो इज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। ठीक है, अच्छा, तो 3% से कम नॉर्मली 1 to 2% रेटिकुलोसाइट हमें नज़र आ रहे होते हैं, बिकॉज वी नो दैट हमारी नॉर्मल आरबीसी काउंट इज़ नॉर्मल। तो हमें ज़्यादा बोन मैरो पे प्रेशर डालने की या ज़्यादा आरबीसीज एक्सेलरेटेड वे में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 1 to 2% इज़ नॉर्मल। अच्छा, अगर हम
परसेंटेज ही देख लें कि अनीमिया में अगर किसी पेशेंट अनीमिक है, किसी पेशेंट को अनीमिया है, तो उसमें रेटिकुलोसाइट काउंट ये है, ठीक है? तो ये हम फॉल्स परसेंटेज निकालते हैं इस तरह। क्यों फॉल्स परसेंटेज होगी और इस फॉल्स को हमें ट्रू में करने के लिए हम निकालते हैं करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट, ठीक है? तो फॉल्स क्यों होगी? सबसे पहली देखें, नॉर्मल में हमारे पास अगर ये नॉर्मल पिक्चर है, ठीक है, किसी भी पेशेंट की ब्लड फिल्म में, तो ये जो डार्क ब्लू हमें डॉट्स नज़र आए हैं दैट आर आरबीसीज एंड लाइट ब्लूज आर रेटिक्यूलोसाइट, ठीक है? 100 में से 3 हो तो 3%, लेस दैन 3% और 3% है नॉर्मल। एनीमिया में हमारे पास आरबीसीज भी कम है, तो रिलेटिव अगर हम इंक्रीज देखें तो वो बहुत ज़्यादा रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज है, परसेंटेज उसकी रिलेटिव जो है इंक्रीज परसेंटेज है। लेकिन हमें रिलेटिव इंक्रीज नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल परसेंटेज चाहिए ताकि हम उससे डिटरमाइन कर सके कि बोन मैरो इज़ रिस्पॉन्डिंग वेल और नॉट, ठीक है? उसके लिए हम करेक्शन निकालते हैं। करेक्टेड रेटिकुलोसाइट किस तरह निकालते हैं? फॉर्मूला इज सिंपल। एक्चुअल जो हमारी हिमेटोक्रेट होती है, एक्चुअल मीन्स पेशेंट की जो हिमेटोक्रेट है, पेशेंट हिमेटोक्रेट डिवाइडेड बाय 45, दैट इज़ अ नॉर्मल हिमेटोक्रेट लेवल, मल्टीप्लाई बाय रेटिकुलोसाइट काउंट, जो भी काउंट है, ठीक है? तो इस तरह हमें करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट, कोई पेशेंट एनेमिक है, एच सी टी इज़ ऑब्वियसली डिक्रीज, तो इट्स 15% एच सी टी, पेशेंट की एच सी टी क्या है हमारे पास, हीमेटोक्रेट दैट इज़ 15%, डिवाइड बाय 45 दैट इज़ नॉर्मल, एंड मल्टीप्लाई बाय 18% जो कि रेटिकुलोसाइट हमने रिलेटिव इंक्रीज देखा था, उस परसेंटेज को हमने मल्टीप्लाई किया, तो वी हैव करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट दैट इज़ 6% सॉरी, ठीक है, 6%। अब देखें, अब रिलेटिव इंक्रीज तो 18% है, दैट इज़ अ फॉल्स रेटिकुलोसाइट काउंट। जो करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट है दैट इज एक्चुअल रेटिकुलोसाइट काउंट इन आवर पेरिफेरल ब्लड, विच इज़ वी कैन से दैट हाउ वेल द बोन मैरो इज रिस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स अनीमिया, ठीक है? अच्छा, अगर हमें पेरिफेरल फिल्म में रेटिकुलोसाइट्स के अलावा और भी इमेच्योर आरबीसीज कुछ मिले, हमने अभी पढ़ा कि रेटिकुलोसाइट से पहले जो इमेच्योर स्टेज है दैट इज़ पॉलीक्रोमैटिक, ठीक है, पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोसाइट और ब्लास्ट, तो उसमें हमारे पास वो मज़ीद एक इमेच्योर फॉर्म है जो कि रेटिकुलोसाइट से भी पहले की स्टेज है, तो उसमें अगर वो हमें पेरिफेरल ब्लड में नज़र आते हैं तो हम उसकी भी करेक्शन निकालते हैं, ठीक है? सो एडिशनल करेक्शन इज़ रिक्वायर्ड इफ़ आर बी सी पॉलीक्रोमेजिया इज़ प्रेजेंट। अगर हमारी आर बी सी पॉलीक्रोमेजिया भी फिल्म में है, पेरिफेरल ब्लड फिल्म में है, तो हम उसकी भी निकालते हैं। पॉलीक्रोमैटिक आर बी सीज आर यंगर देन रेडिकुलोसाइट्स, दे अपेयर इन द पेरिफेरल ब्लड व्हेन देर इज़ अ वेरी ब्रिस्क हिमोलिटिक एनीमिया, क्योंकि हमारी बोन मैरो जो है सीवियर हिमोलिटिक एनीमिया में बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही होती है, तो उस उतना मतलब हमारे आर बी सीज को टाइम नहीं मिल रहा होता कि वो मेच्योर हो सके, ठीक है? तो इमेच्योर सेल्स हमारे पेरिफेरल फिल्म में नज़र आ रहे होते हैं, दैट इज पॉलीक्रोमैटिक सेल्स। अच्छा, इसकी क्योंकि पॉलीक्रोमैटिक सेल्स हमारे पास 2 से 3 दिन बाद मेच्योर होते हैं, तो ये हमें एक इनकरेक्ट एस्टिमेट दे सकते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट की। तो अगर पॉलीक्रोमैटिक सेल्स भी प्रेजेंट हैं तो रेटिक काउंट को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, पॉलीक्रोमेजिया को करेक्ट करना ज़रूरी है। पॉलीक्रोमेजिया कैसे करेक्ट करेंगे? सिंपल, हमने जो रेटिक काउंट करेक्टेड रेटिक काउंट निकाली थी उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास करेक्टेड रेटिक काउंट इन इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलीक्रोमेजिया हमें मिल जाएगा, ठीक है? अगर पॉलीक्रोमेजिया नहीं है तो जो करेक्टेड रेटिक काउंट हम पहले निकाल चुके हैं दैट इज़ करेक्ट। अगर हमारे पास पेरिफेरल ब्लड फिल्म में पॉलीक्रोमेजिया भी प्रेजेंट है तो हम उसको डिवाइड करेंगे बाय 2, देन वी विल गेट करेक्टेड रेटिक काउंट, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे हमने जैसे 3 6 जो हमारे पास रेटिक काउंट निकला था करेक्टेड, हमने उसको 2 से डिवाइड किया, हमें 3% मिल गया। सो 3% और मोर देन 3% इज़ अ गुड रिस्पॉन्स एंड देन वी से दैट इफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस है ये, ठीक है? उसके अलावा हमें पॉलीक्रोमेजिया सीवियर हिमोलिटिक एनीमिया के अलावा भी कुछ कंडीशंस में मिल रही होती है, दैट्स इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द बोन मैरो ड्यू टू ट्यूमर्स, ट्यूमर्स में एंड फाइब्रोसिस में, ठीक है? एंड दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ पॉलीक्रोमेजिया। थैंक यू।